ये दोस्तों बाबा के तीन बाण हैं। अगर आप भी कोई मनोकामना है तो आप इन पर तागा बांध के जाया करो, और काम मन जाए तो तागा खोल के जाया करो। तो जय श्री श्याम, जय सिसला धाम की। आप देख रहे हो सिसला धाम। अगर आप दोस्तों ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सिसला धाम की सभी वीडियो मिल जाएंगी। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। हम इस चैनल पर सभी अपडेट देते रहते हैं कि सिसला धाम में क्या होने वाला है और कब का क्या प्रोग्राम है, तो हम कम्युनिटी पर पोस्ट कर देते हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और सिसला धाम बाबा श्याम के दर्शन करने ज़रूर आना। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है या घर में कोई भी दिक्कत है तो एक बार सिसला धाम बाबा श्याम के दर्शन ज़रूर करें। अगर कोई श्याम प्रेमी नवा पहली बार वीडियो देख रहा है, उसको पता नहीं है कि सिसला धाम कहाँ पर है, तो आप हमारे चैनल पर जाओ, आपको ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो आप उस पर मैसेज कर लेना, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। पहली बार में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा और आपको सब आता पता मैसेज के ज़रिए बता देंगे। अगर कोई आना चाहता है तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, हम आपको सभी डिटेल बता देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आओ सिसला धाम और बाबा श्याम के दर्शन करो, और एक बार ही आप आकर ज़रूर देखना। मैं तो आपसे यही कहूँगा, अगर आपको सही लगे, आपके काम बनते हैं तो आते रहना, बाकी एक बार दर्शन करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों। आप एक बार ही दर्शन ज़रूर करें, और हाँ, हमारा यही YouTube चैनल है सिसला धाम का स्पेशल, तो इसी पर आपको सभी वीडियो मिलेंगी। बाकी सिसला धाम की वीडियो तो आपको इधर उधर कहीं और भी मिल जाएंगी, लेकिन सिसला धाम का मेन चैनल हमारा यही है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई भी श्याम प्रेमी आता तो एक धागा लेके आए, आपको ये बाबा के तीन बाण दिख जाएंगे ना, तो इन पर धागा बांधें। अगर आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आप इनको फिर खोल के भी जाना, तो जो भी श्याम प्रेमी बाबा श्याम के दर्शन करने आए तो एक धागा ज़रूर लेके आए अपनी मनोकामना को लेकर, और इस पर बांध के जाए। तो आज है दोस्तों संडे, ज़्यादा से ज़्यादा श्याम प्रेमी संडे को आते हैं, क्योंकि बाबा का दिन है एतवार का, तो आप भी कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा एतवार संडे को आने की। वैसे तो यहाँ पर हर रोज़ श्याम प्रेमी आते हैं बाबा के दर्शन करने हज़ारों में, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा संडे को आया करो, क्योंकि संडे को बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, और बाबा श्याम का शुभ दिन है।